अक्टूबर 1989 सम्मेश्वर जी शिविर में तत्व चर्चा क्रमांक 5। थोड़ी शांत हो जाइए। आज का पहला प्रश्न है मिथ्यात्व की भूमिका में कौन सा व्यवहार आवश्यक है जो सम्यक्त्व प्रकट करने के लिए सहायक हो। पहले भी इस तरह का प्रश्न आया है और आज भी आया है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। ये पहली बात तो यह है कि सम्यक दर्शन के लिए बाधक जो तीव्र पाप के परिणाम हैं उनको हम तीन भागों में विभक्त करते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष। ये तीन प्रकार के तीव्र पाप भाव हैं, वे सम्यक दर्शन के बाधक हैं। उनका अभाव तो होना ही चाहिए। इसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो मुख्य व्यवहार है वह है आत्मानुभूति का अथवा शुद्ध निश्चय नय का विषय, अथवा जिसे कहना चाहिए कि जो असली आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, शुद्ध आत्मा, शुद्ध जीवास्तिकाय, जीव द्रव्य, जीव तत्व, कितने ही नामों से उसे पुकारा जाता है, वह उस शुद्धात्मा का महिमा पूर्वक चिंतन चले, महिमा पूर्वक। और उस चिंतन की और उस शुद्धात्मा की ऐसी खुमारी हो कि उसमें एक क्षण के लिए भी व्यवधान ना हो, एक क्षण के लिए भी, जागते में तो नहीं पर सोते में भी नहीं, ऐसी खुमारी। निरंतर चिंतन नहीं, चिंतन निरंतर होगा भी नहीं, विचार दूसरे भी आएंगे, लेकिन मेरा चैतन्य ही इस संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट तत्व है और वही शरण्य है, वही सारे दुखों का अंत करने वाला है, ऐसा निश्चय करके जब उसको सर्वोत्कृष्ट माना तो ये स्वाभाविक है कि उसका चिंतन चलेगा और उसकी खुमारी चढ़ जाएगी। और वो खुमारी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में मुख्य निमित्त होती है। उसका अधिक से अधिक समय 6 महीने होता है और कम से कम तो अंतर्मूर्त होता ही। 6 महीने में अगर ऐसी खुमारी चल जाए और उसमें एक क्षण का भी ब्रेक न आवे, व्यवधान ना हो, तो निश्चित रूप में सम्यक दर्शन होता है। उसमें व्यवहार के जो विचार हैं, व्यवहार के विचार में न, रागी हूँ, देशी हूँ, दुखी हूँ, सदा से ही कभी निगुद में गया, नरक में गया, इत्यादि इत्यादि, ये विचार सम्यक दर्शन में सहायक नहीं होते। सम्यक दर्शन के सहायक विचार केवल उस शुद्धात्मा के आश्रित ही होते हैं। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आनंद का कंद हूँ और इस विचार में उसको प्रसन्नता और उछाला हो, एकदम बहुत प्रसन्नता हो, तो सम्यक दर्शन होने की संभावना होती है। ये व्यवहार है उसका असली, सम्यक दर्शन का असली व्यवहार यह है। और शेष जो जिनका अभाव होता है, मिथ्या, अन्याय, अभक्ष, वो भी उसमें निमित्त होते हैं। आत्महित के लिए क्या करना चाहिए, दृष्टांत सहित समझाएं। क्या करते हैं प्रथम भूमिका में, जैसा भी पहला प्रश्न था, बस इस प्रश्न का उत्तर भी वही है कि क्या करें आत्मा के हित के लिए, क्या करें कि सबसे पहले उस आत्मा का स्वरूप और आत्म विरोधी जो दुख के कारण परिणाम हैं मिथ्या दर्शनादि, उनका स्वरूप जाने और ये निर्णय करे मिथ्या दर्शनादि कि झूठे हैं, मिथ्या हैं,
राग द्वेष मिथ्या है, ये विश्वास करने लायक नहीं है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का हिस्सा भी नहीं है, अवयव नहीं है आत्मा का, आत्मा तो एकदम पवित्र तम तत्व है। इस तरह आत्मा का महत्व आवे तो जीव को सम्यक दर्शन होता है। लोक में भी ऐसा ही होता है कि जैसे किसी को परिवार का पालन करना है, पेट भरना है, तो वो क्या करता है, यही करता है कि कोई व्यवसाय समर्पित होकर शुरू करता है और सदा ही निरंतर ही उसको केवल एक वही विचार और वही खुमारी रहती है कि किस तरह परिवार का पालन हो अथवा दरिद्रता का अंत हो, सपना भी ऐसा ही आवे। इस तरह सम्यक दृष्टि ना हो भले ही, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जिसको आतुरता है, उसका अर्थ यह है कि उसको शुद्धात्मा की आतुरता है। शुद्धात्मा की आतुरता में स्वप्न भी उसको शुद्धात्मा जैसे ही आते हैं, उसी प्रकार के आते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए तो ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि को स्वप्न भी ऐसे आते हैं कि जैसे मेरा आत्मा सर्व कर्म से रहित सिद्ध जैसा निर्मल हो गया है, ऐसा द्रव्य में नहीं पर्याय में, द्रव्य में तो है ही, स्वप्न भी क्यों, क्यों ऐसा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो लक्ष्य वही है ना, इसलिए उसको स्वप्न भी उसी प्रकार के आते हैं। ये सर्व कर्म से रहित निर्मल शुद्धात्मा तो है ही, उसकी श्रद्धा तो है ही, स्वप्न में भी ऐसा लगता है कि ये सर्व कर्म से रहित निर्मल हो गया हूं, ऐसा लगता है। प्रश्न है अजब सा जिस प्रकार, सुनिए प्रश्न को मुर्गी के पेट में से निकला हुआ अंडा मांस का रूप है, तो फिर आप गाय के शरीर में से निकला हुआ दूध मांस का रूप क्यों नहीं मानते, क्योंकि दूध भी उस गाय के आंतरिक भाग को स्पर्श करता हुआ आता है। किसी ने सोचा है ये, जिंदगी में सोचा है किसी ने ये है? प्रश्न तो है ही सही, बात तो है ही ऐसी। क्या है असल में कि मुर्गी के पेट में से जो अंडा निकला है वो तो मुर्गी या मुर्गा ही है, वो तो उसका अवयव ही है, वो तो मांसल है, मांस ही है वो तो। लेकिन जो दूध है उसमें फर्क है उस बात में। एक तो अपन ये देखें कि जितने भी लोग हैं दुनिया के और जितने भी दुनिया के मत मतांतर हैं, जितने भी दुनिया के मत मतांतर, उनमें से दूध का निषेध किसी ने नहीं किया, तो उसका कोई कारण होना चाहिए ना। मैंने दूध सचमुच यदि मांसल होता, यदि उसमें कोई मिश्रण होता, तो अवश्य ही जो अहिंसा प्रधान लोग हैं, अहिंसा प्रधान जो कोई भी धर्म है, वो अवश्य उसका निषेध करता। लेकिन उसमें एक व्यवस्था है कि गाय के पेट में जो दूध रहता है तो दूध रहने की जगह अलग रहती है, बिल्कुल अलग। उसमें ऐसा नहीं होता कि जहां वो दूध रहता है तो वहां कोई खून निकलता हो गाय का, ऐसा नहीं होता है, या वहां पर कोई मांस निकलता, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो स्थान ऐसा होता है कि जिस बाहर किसी पात्र में दूध रखा हुआ है, इस तरह से वो दूध वहां पर रखा रहता है। जैसे अपन गाय के पेट की बात करते हैं ना, तो उसी तरह है। मैं एक बात आपको करता हूं कि हमने हथेली में दूध लिया, ये क्या है इसमें और गाय के पेट में क्या फर्क है, बताओ प्रोफेसर साहब। ये जो हथेली है ये क्या है, ये हाँ ठीक, इसी तरह गाय के पेट में स्थान ऐसा होता है, ऐसा का ऐसा स्थान कि जहां पर वो दूध बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और इतना व्यवहार तो अपने को मान्य है कि ये सारा का सारा क्या है, अपना शरीर जो है, ये क्या है, ये चमड़ा है नहीं, फिर इस चमड़े से ही खाते हैं, इससे सब छूते हैं, और महाराज आर्जल शुद्ध है सारा, और सभी से बनाते हैं,
भगवान की जो पूजा करते हैं उसमें द्रव्य भी इससे छूते हैं, भगवान को भी छूते हैं, इसी से छूते हैं। तो इसमें ये जो बाहर का हमारा अवयव है, इसमें और गाय के पेट के उस अवयव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो जैसे वो हमारी हथेली में रह सकता है, उसी तरह वो गाय के पेट में भी रहता है, ठीक इसी तरह रहता है। ये कहीं समझ लीजिए, जैसे हमारी हथेली का कोमल हिस्सा है ना, ऐसा का हिस्सा वो गाय के पेट के भीतर होता है और उसमें से वो दूध आता है। इसलिए दूध का निषेध किसी आदमी ने तो किया नहीं, किया होगा तो किसी मनचले आदमी ने किया होगा जिसका दिमाग खराब होगा, लेकिन किसी शास्त्र ने भी नहीं किया आज तक, न केवल जैन शास्त्र ने बल्कि किसी भी शास्त्र ने, मत मतांतर ने दूध का निषेध नहीं किया, बल्कि कहा दूध तो पीना चाहिए, ऐसा कहा। ऐसी है उसमें बात हो तो जरूर बिल्कुल अलग चीज है। जो मैंने आपको निवेदन किया कि नहीं, ये क्या है, ये ऐसा का हिस्सा, ऐसा हिस्सा गाय के पेट में है, वहां वो सुरक्षित रहता है, पात्र है वो तो एक तरह का, उसमें क्या दिक्कत है? बच्चा माँ के स्तन से नहीं पीता दूध तो वो अलग जगह रहती है कि नहीं? फिर कोई कहता है उसमें तो खून मिला हुआ रहता होगा। ये तो बिल्कुल कुदरती विधान है, विभाग है अलग, खून का विभाग अलग, दूध का विभाग अलग, मांस का विभाग अलग, हड्डी का विभाग अलग, सब न्यारे न्यारे विभाग है, इस तरह की व्यवस्था है कुदरती। और है कुछ, और कुछ है? मैं चल दिख रहा मेरे आगम में जिनेन्द्र भगवान की पूजन अष्ट द्रव्य से करने का विधान है, परंतु कुछ दिनों से सात द्रव्यों से पूजन करने की पद्धति चल पड़ी है। पुजारी धूप की जगह लौंग अथवा पीले पुष्प चढ़ाते हैं। पीले पुष्प मन चावल, अच्छा धूप की जगह, अच्छा। यदि धूप अशुद्धता के कारण नहीं अग्नि में क्षेपण करते तो थाली में चढ़ाने में क्या हानि है? सात द्रव्य कहाँ हुए इसमें? जो लौंग है तो उस लौंग को आप फल में ले लीजिए, लौंग के ऊपर का हिस्सा धूप में ले लीजिए, इसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें कहाँ दिक्कत है? हो तो गया आठ द्रव्य, और धूप शुद्ध भी मिलती है, तो शुद्ध धूप लाइए और थाली में क्षेपण कीजिए। इसलिए कोई सात द्रव्यों से पूजन करने की कोई पद्धति ऐसी कोई चली नहीं है। धूप लाते हैं लोग, लेकिन इतना जरूर है कि धूप पुरानी ना हो, चंदन के डंठल हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और लौंग के ऊपर का हिस्सा हो तो उसको धूप गिन लीजिए। ये आखिर कल्पनाएं तो है सारी की सारी। हम जिन केसर से रंगे हुए चावलों को पुष्प कहते हैं, वे कोई पुष्प तो नहीं है, पर वो सफेद है उनको हम अक्षत कहते हैं और रंगे हुए को हम पुष्प कहते हैं। तो ये कल्पना ही तो है, ये प्रतीक है, तो असल में ये भावों की रचना के और भावों को स्थिर रखने के प्रतीक हैं। इनसे भावों में विशुद्धि की रचना होती है और भाव स्थिर रहते हैं, दो लाभ हैं इस द्रव्य से। इसलिए कई मनचले लोग आजकल ये कहते हैं कि जैन धर्म में ये क्रियाकांड कहां से आ गया, तो उनका माथा खराब है बिल्कुल, क्योंकि ऐसा निमित्त कि जो हमारे भावों में विशुद्धि की रचना करे और भावों को स्थिर रखे, इतने महान कार्य के लिए पूजा माने सम्यक दर्शन का निमित्त, उसमें जो जो द्रव्य निमित्त भूत होता है उस द्रव्य की कीमत रत्नों से ज्यादा है, रत्नों से भी अधिक है उसकी कीमत। कर्मकांड तो बहुत तरह के होते हैं, बोलते हैं वो भी कर्मकांड है, फिर बोलना ही बंद कर देंगे क्या करेंगे, क्योंकि शरीर की क्रिया है और वो बाहर का द्रव्य है, तो ये बोलना क्या है, वाणी क्या है, वो भी कर्मकांड ही है। इसलिए सब होता है, वो भाव विशुद्धि का भक्ति का जो प्रकरण है उसमें बहुत साधन प्रसाधन होते हैं, और उन साधनों का अवलंबन केवल इसलिए लिया जाता है कि हमारे भाव स्थिर रहें और भावों की विशुद्धि होती जाए। एक एक द्रव्य के अवलंबन से हम जो मंत्र बोलते हैं तो उसमें भाव विशुद्धि का कितना वजन होता है, है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसारता विनाशनाय चंदनम, तो नहीं है इसमें, और वैसा ही हम छंद बोलते हैं तो भावों की स्थिरता होती है, विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन का निमित्त उपस्थित होता है वहां पर। यदि कोई व्यक्ति अंगहीन हो तो क्या वह जिनेन्द्र प्रभु की प्रक्षालन कर सकता है, अष्टद्रव्य से पूजन कर सकता है और मुनिराज को आहार दे सकता है? नहीं दे सकता,
अंगहीन हो तो भगवान का प्रक्षाल नहीं कर सकता, और यदि मुनिराज अंगहीन हो जाए तो क्या वह आहार ले सकते हैं? अंगहीन होने का स्वरूप ऐसा हो कि वो मुनिराज महाव्रत समिति के पालन में असमर्थ हो जाए तो फिर उनको संलेखना लेना चाहिए, समाधि मरण करना चाहिए, चाहे वो कैसा ही अंग हो, लेकिन अगर समिति गुप्ती आदि का पालन, महाव्रत आदि का पालन उसमें असमर्थ हो जाए तो फिर समाधि मरण का अवसर होता है। कुछ भी भले कम दिखने लग जाए, कम दिखने लग जाए, और चार हाथ जमीन का जैसा नियम है ना, एरिया पथ का, एरिया समिति का, तो वो नहीं दिखाई देते हों जो जीव हैं, वे नहीं दिखाई दें, तो आँखें अगर इस तरह की हो जाएं तो भी वो संलेखना का अवसर होता है। चार प्रकरण होते हैं संलेखना के, चार अवसर होते हैं, उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग, ये चार अवसरों पर संलेखना ली जाती है। कोई ऐसा उपसर्ग के जो टल ना सके, ऐसा दुर्भिक्ष के जो टलने वाला ना हो, बुढ़ापा के जो, वो तो टलने वाला होता ही नहीं है, पर ऐसा बुढ़ापा कि जिसमें अत्यंत अशक्ति मालूम होती हो और ऐसा लगने लगे कि आयु अब निकट है, और ऐसा रोग कि जो साध्य नहीं लगता हो, तो संलेखना लेते हैं। पूजन तो कर सकता है अंगहीन मशीन के, हाँ पूजन तो कर लेता होगा शायद। ध्यान मिथ्यात्व की भूमिका में संभव है या नहीं? मिथ्यात्व की भूमिका में ध्यान की क्या रुकावट है? अनादि से ही आर्त और रौद्र ध्यान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर जीव को ध्यान होता है, प्रत्येक जीव को ध्यान का अर्थ है एक समय से अधिक जिस परिणाम की धारा चलती है उसका नाम ध्यान है। अंतर्मूर्त का है ना, तो अंतर्मूर्त का काल कौन सा होता है? एक समय से अधिक और 48 मिनट से एक समय कम, उसका नाम अंतर्मूर्त है, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन सम्यक ध्यान, सुध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मिथ्या दृष्टि को कभी नहीं होते हैं। ध्यान की यदि कोई प्रक्रिया हो तो कृपया समझाने का कष्ट करें। ध्यान की प्रक्रिया समझाने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान का विषय प्रिय लगना, पहले ध्यान का विषय निश्चित होना चाहिए। एक बात बिल्कुल निश्चित क्लियर होना चाहिए ज्ञान में, दूसरी बात कि ध्यान का विषय सबसे अधिक, सारी दुनिया से अधिक प्रिय लगना चाहिए, इसके बाद ज्ञान उसकी तरफ जाता है तो उसका नाम ध्यान है, उसका नाम अनुभूति है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया चिंतन की भी है, आत्मा सुंदर लगता है तो बैठकर उसका चिंतन करता है, लेकिन सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति होने पर ही ध्यान होता है, ध्यान में ही आत्मानुभूति होती है, धर्म ध्यान में। आप कहते हैं कि इसी भारत से सभी मोक्ष जाते हैं, तो सिद्धशिला तो पूरे तीन लोक में ऊपर है, अतः बाकी स्थान खाली है क्या? ऐसा नहीं बोला था कि इसी भारत से सभी मोक्ष जाते हैं। ये जो सिद्ध क्षेत्र है, ये अपना सम्मेय शिखर, यहाँ से 24 तीर्थंकरों के मोक्ष जाने का नियम है, शेष तो 2.5 द्वीप से कहीं से भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर यदि मोक्ष जाते हैं भरत क्षेत्र में तो वो केवल सम्मेद शिखर से जाते हैं, और उनके साथ असंख्य और अनंत मुनिराज भी मोक्ष गए हैं और जाते रहेंगे। बाकी 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धात की खंड, कालोदधि और पुष्करार्ध, ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं, और सब जगह से जाते हैं, जल से, स्थल से और नभ से, सब जगह से मोक्ष जाते हैं, और ये 45 लाख योजन है ये जगह 2.5 द्वीप की,
और 45 लाख योजन की ही सिद्धशिला है। बस इसलिए जितने भी मोक्ष जाते हैं तो वे सब ढाई दीप से जाते हैं, उसमें भी कर्म भूमि से है। क्या भूमि से मोक्ष नहीं जाते। मन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? मन को कहां से रोकना चाहते हैं हम? इसका अर्थ यह है कि मन जहां जा रहा है या जिधर जाता है वह विषय हमको प्रिय नहीं है, तो फिर हमें मन को वह विषय बताना चाहिए कि जो अब तक जाने गए सब विषयों से सबसे अधिक प्यारा हो, सुंदर हो, तो मन अपने आप उधर आने लग जाए। वो विषय मन को बताना चाहिए, वो चीज मन को बताना चाहिए, मन को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब तक तू जहां जहां गया है वहां तूने केवल दुख पाया है, कष्ट पाया है, और अब मैं तुझे ऐसी जगह बताता हूं कि जहां एक बार जाने के बाद फिर तू वापिस नहीं लौटेगा वहां से, ऐसा रम जाएगा वहां, और उसका नाम शुद्धात्मा है। इसलिए मन को मन में शुद्धात्मा का स्वरूप निश्चित करके बार बार उसकी महिमा लाना चाहिए, यही तरीका है। बाकी ये जैसे उद्दंड जानवर होता है तो उस तरह से मन के साथ व्यवहार करना वो कोई तरीका नहीं है। जैसे मन जाता हो तो हम कहें नहीं मानेगा क्या तू, नहीं मानता है क्या तू, पर तुम क्या करोगे नहीं मानेगा, तुम ही तो हो। तो इस तरह की झंझटबाजी से मन कभी मानने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो सुख से किया जाता है, झंझटबाजियों से, झगड़ों से, संघर्षों से धर्म नहीं होता, कष्टों से धर्म नहीं होता, धर्म हमेशा सुख से किया जाता है। इसलिए मन को पहले वह स्थान बताओ कि जहां से फिर अनंत प्रयत्न करने पर भी वो वापस नहीं लौटे। एक जानवर की भी स्थिति होती है, एक जानवर को कोई आदमी किसी दूसरे को बेच देता है, अब उसके पास उसको खाना मिलता था, अब इस जानवर को जब तक ये विश्वास ना हो कि मुझे जिसको दिया गया है वहां मुझे अच्छा खाना मिलेगा, तो ये वहां जाएगा ही नहीं, वो पहली जगह आएगा। और एक बार इसको पता लग जाए कि मुझे पहले जैसा मिलता था उससे सुंदर है ये जगह, तो फिर वो पहले की जगह जाकेगा नहीं अपने आप। इसलिए मन को विश्वास तो दिलाओ कि शुद्धात्मा ही सुंदर है दुनिया में, एकमात्र विश्राम का स्थान केवल यही है। राज दरबार में जाते समय व्यक्ति सिर पर साफा बांध कर जाता था, तो मुस्लिम भाई मस्जिद में ऐसा करते हैं, और अभिषेक करते समय नग्न सिर से करते हैं, क्या यह उपयुक्त है? क्या है असल में कि वस्त्रों से जो स्थान सम्यक प्रकार से ढके रहने चाहिए बस उसका नाम शिष्ट स्वरूप है, शिष्ट वेश है। तो जितने भी स्थान ढकने लायक हैं हमारे, तो वो स्थान तो ढके रहते हैं ना, और सिर यदि खाली रहता है तो सिर में तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां से विकार पैदा हो सके देखने से। तो शरीर को किस लिए ढका जाता है? इसलिए ढका जाता है कि वहां पर कोई अशिष्टता ना हो मंदिर में और कोई विकार ना हो, इसलिए ढका जाता है। देवों का स्वरूप मालूम है क्या लोगों को? देव पगड़ी बांधते हैं तो टोपी लगाते हैं, तो साफा बांधते हैं, मुकुट लगाते हैं तो मुकुट तो यहां लगाते हैं, बाकी माथे में क्या होता है? जीव को भाव भाषण पूर्वक ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? जीव का स्वरूप समझकर और उस जीव के प्रति जो धारावाहिक चिंतन है, वो धारावाहिक चिंतन भाव भाषण तक पहुंचा देता। भाव भाषण में ना आत्मानुभूति, अर्थात कैसा है जीव, जीव के भीतर क्या क्या है, उसका रसास्वादन होना, उसका नाम भाव भाषण है। इसलिए यदि हम जीव को चाहते हैं, इसमें एक बात है खास कि यदि जीव ही हमको इस तीन लोक और तीन काल में सर्वश्रेष्ठ वस्तु लगी है, तो फिर उस जीव का जो चिंतन है वो हमारा कभी बंद नहीं होगा, वही सबसे प्रिय लगेगा और उसकी अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहली शर्त यह है कि सारे लोकालोक में जीव
सबसे श्रेष्ठ वस्तु लगना चाहिए और सुंदर लगना चाहिए। अगर इससे अधिक कोई लगता है तो मन उधर गए बिना नहीं रहेगा। इसका नाम भावभाषण है। केवल विचार का नाम, शुष्क विचार का नाम भावभाषण नहीं, अथवा महिमामय विचार का नाम भी भावभाषण नहीं है। पर विचार व्यतीत होकर और एक सघन पर्याय, एक घनीभूत पर्याय जो पैदा होती है कि जिसमें तरलता नहीं होती, चंचलता नहीं होती, केवल वो पर्याय जैसा शुद्धात्मा वैसी वो पर्याय, क्योंकि शुद्धात्मा सघन वस्तु है, एक ज्ञान घन और आनंद घन, तो पर्याय भी ज्ञान और आनंद घन हूं मैं, बस इस तरह घन होकर उसको विषय बनाती है, उसको भावभाषण कहते हैं। वही है ये तो नंगे सिर की बात। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि अपना भला भला बुरा अपने परिणामों से होता है, जबकि नियम सार शुद्ध भाव अधिकार में परिणाम मात्र को परद्रव्य कहा है। परद्रव्य से अपना भला बुरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार पंडित टोडरमल जी ने नौवें अध्याय में सात तत्वों की श्रद्धा करने पर अत्यधिक बल दिया है, जबकि नियम सार जी के शुद्ध भाव अधिकार के अनुसार सात तत्वों की श्रद्धा मिथ्यात्व है। ये प्रक्रियाएं हैं असल में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो कहा है वह सम्यक दर्शन की प्रक्रिया बताई है। सम्यक दर्शन तब तक नहीं हो सकता कि जब तक सात तत्वों का स्वरूप बिल्कुल क्लियर समझ में ना आए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्योंकि सात तत्व वो तो एक सरल बात है बिल्कुल, कि मैं जीव तत्व हूँ, अजीव अर्थात कर्म का मेरे साथ संयोग है, इस संयोग में मिथ्यात्व राग द्वेष रूप आश्रव भाव मलिन भाव अपवित्र भाव होता है, उसी का दूसरा नाम बंध भी है, इनका अभाव होना उस जीव तत्व के अवलंबन से, इसका अभाव जीव तत्व का अवलंबन और उसमें किंचित अजीव तत्व का अर्थात कर्म का वियोग विरह होना और उसके साथ में निर्मल परिणाम का पैदा होना, उसका नाम संवर और निर्जरा और पूर्ण शुद्धि का नाम मोक्ष। ये तो हर कोई, एक सामान्य सामान्य व्यक्ति भी इस बात को जानता है। एक बीमार हो तो उस बीमार को ये सात तत्व होते हैं बराबर, बीमारी की दृष्टि से बीमार आदमी, चाहे वो गांव का आदमी हो, लेकिन वो उस बीमारी के रूप में इन सात तत्वों को बराबर जानता है। कि जैसे मुझे, मैं आदमी हूँ, तो आदमी उसे नहीं कहते कि जो बीमार हो, ये तो नहीं है आदमी का लक्षण। फिर भी मैं बीमार हुआ हूँ क्योंकि मच्छर ने काटा है इसलिए मुझे बुखार हुआ। तो आदमी और मच्छर दोनों न्यारी न्यारी चीजें, बिल्कुल अलग अलग, दोनों का योग हुआ और उस आदमी के उपादान में बुखार आने की योग्यता है तो बुखार आया, मच्छर से नहीं आया, क्योंकि मच्छर तो बहुतों को काटते हैं। लेकिन बुखार यदि आता है तो किसी न किसी अन्य पदार्थ के योग में आता है, ये नियम। लेकिन अन्य पदार्थ के होने मात्र से बुखार नहीं आता। तो ये दो द्रव्य हो गए ना, और दो सचमुच बुखार वाला नहीं, आदमी बुखार वाला नहीं होता। आदमी को बुखार तो होता है, फिर भी आदमी और बुखार में बहुत फर्क होता है। आदमी कोई अलग चीज है और बुखार कोई अलग चीज है। बुखार पूरा चला जाता है और आदमी पूरा बच जाता है। ये वो गांव का आदमी बिना पढ़ा लिखा भी जानता है, किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है उसको ये बात जानने के लिए। तब फिर वो जब ये जानता है कि मैं तो मनुष्य हूं और बुखार कोई मेरा स्वरूप नहीं है, जब ये जानता है तो वो चिकित्सा शुरू करता है, उसका नाम संवर और निर्जरा, बुखार मिट जाता है, उसका नाम मोक्ष, बस ये हो गया। तो ये बात जाने बिना सचमुच उसको बुखार नहीं मिट सकता है, इसलिए सात बातें जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें मूल चीज ये हुई कि मैं आदमी हूं बुखार नहीं हूं, ये मूल वस्तु है। इसलिए उसकी जो इंसानी, उसका जो एक नॉर्मल स्वभाव होता है ना आदमी के स्वास्थ्य का, तो वो उसको जानता है कि मैं तो मनुष्य हूं। ये जो श्रद्धा है, बस ये श्रद्धा उसकी वास्तविक श्रद्धा, दुख का क्षय करने वाली, और शेष जितने भी हुए अजीव इत्यादि, ये तो अजीव जो दूसरा पदार्थ है मच्छर आदि, वो तो उसे अलग है ही सही, और जो ज्वर आदि है वो तो नया आया है, वो तो कोई आदमी में शामिल था ही नहीं,
इसलिए उनकी उनको हे जानता है, अर्थात यह वास्तव में मैं नहीं, मैं तो मात्र मनुष्य हूं। इसी तरह सात तत्वों में मैं तो मात्र जीव तत्व हूं, ये अजीव आश्रव बंध संवरण जगह मोक्ष, ये तो आने जाने वाली चीजें हैं, ये विश्वास का आने जाने वाली चीज विश्वास करने लायक नहीं होती, क्योंकि समय पड़ने पर छोड़कर भाग जाती है। जो समय पड़ने पर छोड़कर भाग जाए वो विश्वास करने लायक नहीं होता, इसलिए पर्याय मात्र विश्वास के लायक नहीं होती। यह है उसमें मर्म, पर्याय 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 मैंने पर्याय को उल्टी करने जैसी नहीं होती है, और पर्याय हमारी हमारा ही अवयव होती है। हमारा अवयव होने पर भी जैन दर्शन की जो विशेषता है वो यह है कि चाहे भले ही हमारा हो लेकिन हमको उस पर्याय के साथ भी लिहाज नहीं, क्योंकि यदि उसका विश्वास किया जाए तो हमारा मोक्ष मार्ग बिगड़ता है, इसलिए हमारी होने पर भी हम उसको विश्वास नहीं करते। और इसमें उसी का कल्याण है, आत्मा का कल्याण नहीं, वो आत्मा तो कल्याण में है, पर्याय का ही कल्याण होता है। ये दो प्रक्रियाएं हैं कि पहले सात तत्वों का स्वरूप जाने, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक आगे सात तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा जानो और वैसी श्रद्धा करो। वैसी श्रद्धा करो ये भी ज्ञान के अर्थ में कहा है, श्रद्धा का विषय तो असल में केवल शुद्धात्मा ही होता है, अन्य श्रद्धा के विषय नहीं होते, एक ही विषय होता है सम्यक दर्शन का। निर्मल पर्याय कहाँ हुई? निर्मल पर्याय तो बाद में आई ना, आदमी को बुखार आया तब फिर वो बुखार गया तब हुई वो पर्याय सही, वो तो बाद में आई। आदमी तो आदमी है, वो विश्वास उन निर्मल पर्याय का विश्वास करेगा तो कहाँ वो निर्मल पर्याय भी है अभी निर्मल पर्याय, विश्वास किस पे टिकाएगा? विश्वास किसी पे टिकना चाहिए ना, उसका कोई विषय बनना चाहिए ना, तो निर्मल पर्याय है क्या अभी? नहीं है निर्मल पर्याय, अभी नहीं है विकारी पर्याय, विश्वास करने लायक नहीं है, तो फिर कोई विश्वास करने लायक तो होना चाहिए, तो कौन बचा? वही शुद्धात्मा बचा। मैं ज्ञायक हूं ये सत्य है, पर समझाइए। समझते हो, स्वयं ही समझते होंगे, मैं ज्ञायक हूं ये सत्य है, उसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञायक मैंने ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी अनंत शक्ति का जो पुंज है, ऐसा जो चैतन्य तत्व है ज्ञान की ओर से, उसका नाम ज्ञायक है ज्ञान की ओर से। वैसे तो वो जीव तत्व है, जीव तत्व जीवन तत्व जो हमेशा जिंदा है, शुद्ध है पवित्र है निर्मल है बिना मिलावट वाला है अनादि अनंत और अक्षय है, उसके कई नाम है। ज्ञान की ओर से उसका नाम ज्ञायक, द्रव्य की छह द्रव्य की ओर से कहा जाए तो उसका नाम जीव द्रव्य, सात तत्व की ओर से कहा जाए तो उसका नाम जीव तत्व, पांच अस्थिकाय की ओर से कहा जाए तो उसका नाम जीवास्थिकाय, कई नाम है। पांच भाव की ओर से कहा जाए तो उसका नाम परमपारणामिक भाव, और बात एक ही है सारी की सारी, ये है ना। आत्म मनन चिंतन कैसे करें कि और बातों का चिंतन और मनन कैसे करते हैं कि और चीजें भी हैं ऐसा मानते हैं, एक बात तो यह है। और चिंतन और मनन किसका चलता है कि जिसको हम अपना मानते हैं और अपना ही नहीं मानते हैं पर जिसमें हम अपना परम हित मानते हैं उसमें हमारे चिंतन की धारा चलती है, जिसमें हम अहित मानते हैं तो वहां पर धारा चलती ही नहीं है और चलाना चाहे तो बंद हो जाती है। इसलिए आत्मा को सर्वाधिक माना जाए, सबसे पहले तो किस तरह माना जाए इसकी चर्चा अपन ने की थी, ये जो पांच परावर्तन हैं उनके द्वारा यह बात निश्चित की जाए कि मैं सब जगह गया, लोक का एक भी क्षेत्र बाकी नहीं रहा कि जहां मैं नहीं गया, राग द्वेष और पुण्य पाप का एक भी परिणाम ऐसा नहीं बचा कि जो मुझे नहीं हुआ, जगत का कोई पदार्थ ऐसा नहीं रहा कि जिसका संयोग मुझे नहीं हुआ। अब और कौन सी चीज बची? भव, मैंने कोई भव ऐसा नहीं बचा कि जो मैंने धारण नहीं किया, लेकिन मुझे आज तक भी आराम नहीं मिला, मैं दुखी हूं, ये कथा मेरी बहुत पुरानी है,
तो अब जो बचा है उसकी शरण लो तो दुख का अवश्य नाश होगा। तो इतनी बात है, ऐसा है। एक बीमार जैसे कहता है, ऐसा मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, सैकड़ों डॉक्टरों का इलाज कराया, लेकिन बीमारी नहीं मिटी। लेकिन बीमारी, तब वो दूसरा व्यक्ति कहता है, उसका मित्र, भाई बीमारी तो ये मिटने लायक है क्योंकि मेरी भी मिटी है। वो यूं कहता है, तो तुम्हारी कैसे मिटी है कि मैं विशेषज्ञ के पास गया हूं और तुम जिनके पास गए हो वो सब नीम हकीम थे, इसलिए विशेषज्ञ के पास चलो तो बीमारी अवश्य मिट जाएगी। तो इतने जो सैकड़ों डॉक्टर थे उनके पास जाने से बीमारी नहीं मिटी, लेकिन मिटने लायक है तो कोई बच गया है उसके पास नहीं गया। तो सारे जगत के पास गया, सारे क्षेत्र को छुआ, सब प्रकार के भाव किए, सब कुछ किया, लेकिन केवल एक अपने शुद्ध चैतन्य के पास नहीं आया। शुद्ध चैतन्य के पास आ जाता तो सारी बीमारी मिट जाती, सब कुछ। श्री वीतराग जैन मत के अलावा अन्य मत में प्रवर्तते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं, तो फिर मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग भी होगा। देवशास्त्र गुरु कुछ और प्रकार के भी होते होंगे, ऐसा है ना, कि जैसे अमृत पीने से तो आदमी को जीवन मिलता है, तो अगर जहर खाए तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि अमृत और जहर तो बिल्कुल न्यारी न्यारी बातें हैं, कि जहाँ पर ये जो मत मतांतरों का भेद है, तो भेद सचमुच क्यों है, क्योंकि वहां पर जो मूल तत्व है उनमें अंतर है, मोक्ष मार्ग की जो पद्धति है उसमें अंतर है, तब न ये मतों की विभिन्नता है, अन्यथा मतों की विभिन्नता क्यों हो। जैसे एक आदमी कहता है मेरा विचार तो ऐसा है, दूसरा कहता है मैं तो ऐसा मानता हूं, तीसरा कहता है नहीं नहीं तुम दोनों गलत हो, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये विचारों का भेद हुआ कि नहीं, तो ये तीनों सच्चे कैसे हो सकते एक ही बात के संबंध में। इसलिए जो वस्तु व्यवस्था पर केंद्रित हो वो बात सच्ची, वो सही है। एक आदमी ने नीम खाया और उसने आम चूसा, वो बोला कि आम तो कड़वा होता है। दूसरे आदमी ने केरी चूसी और उसने कहा कि वो तो खट्टा होता है, और तीसरे आदमी ने पका हुआ आम चूसा और उसने कहा कि वो तो मीठा होता है। तीनों में सच्चा कौन है, ये कौन सच्चा है तीनों? भाई आम से पूछ लो ना, लेकिन इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है। अपने मुंह को साफ करके और आम को चूसो, वो खुद कह देगा कि मैं मीठा ही होता हूं। इस तरह वस्तु व्यवस्था पर जो केंद्रित है बस वो दर्शन सच्चा है, वो धर्म सच्चा है, वो विचार सच्चा है, वो श्रद्धा सच्ची, वो ज्ञान सच्चा और वो आचरण सच्चा है। इसके विपरीत जो कहते हैं वे कभी सच्चे नहीं हो सकते। सत्य के अनेक रूप कभी होते ही नहीं है, और सत्य कभी अनेक जगह टूट टूट कर अथवा खंड खंड होकर रहता ही नहीं है। सत्य यदि रहा है तो सदा अखंड ही रहा है और एक जगह ही रहा है। ये गरिमा है उसकी, सत्य की, क्योंकि उसके टुकड़े कभी होते नहीं। थोड़ा यहाँ हो, थोड़ा वहां हो, थोड़ा यहाँ हो। ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि सारे मत मतांतरों को मिला दो तो जैन धर्म बन जाएगा, ऐसा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि 10 आदमियों ने झूठ बोला और सबको मिला दो तो सत्य बन गया। इसलिए अनेकांत ही सत्य है, हो गए। प्रवचन के समय श्रोताओं के पास जो शास्त्र होते हैं उनसे ऊंचा आसन वक्ता का होता है, इससे शास्त्र का अनादर नहीं होता। श्रोताओं के पास जो शास्त्र होते हैं उनसे ऊंचा आसन वक्ता का होता है। वक्ता का आसन जिनवाणी से ऊंचा कहाँ होता है? यही समझ लीजिए, मैं बैठा हूं ना, तो मैं जिनवाणी से ऊपर बैठा हूं क्या? जिनवाणी ऊपर है और मैं नीचा हूं। अब आप और नीचा कर दो, आज ऊंचा कर दिया तो मैं क्या करूं? ये तो व्यवस्था का दोष है या व्यवस्था का है, तो जो कुछ भी है, लेकिन हमेशा ही जनवाणी
ऊंची होती है, ऊंची होना चाहिए और वक्ता नीचा होना चाहिए। श्रोताओं के पास ग्रंथ रहते हैं उससे ऊंचा रहता है वक्ता, उससे ऊंचा होता है। श्रोताओं के पास रहते ना तो ग्रंथ जो पढ़ते हैं तो हाँ हाँ उससे वक्ता ऊंचा हो जाता है। छोटा श्रोताओं के पास रहते ना ग्रंथ, वही समझाना। हाँ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? श्रोताओं के पास जो ग्रंथ होते हैं तो श्रोताओं के पास होते हैं, वक्ता के पास जो जिनवाणी है तो वक्ता उस जिनवाणी से ऊंचा नहीं होना चाहिए। मंदिर है मंदिर, और उसमें भगवान की प्रतिमा है। अब हम मंदिर की छत पर जाते हैं कि नहीं? तो मंदिर की छत पर गए तो हमने भगवान के ऊपर पैर रखा और भगवान का अनादर हुआ उसमें। मंदिर की छत पर गए थे, शिखर तो रहता पर छत पर गए नहीं हम, भगवान के ऊंचे हुए नहीं हुए तो अनादर हुआ नहीं भगवान का? मंदिर की छत पर गए थे तो ऐसा माना जाता है कि अनादर करने का भाव है हमारा, ये तो व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त और कोई और व्यवस्था क्या बन सकती है कि श्रोताओं के पास अगर शास्त्र नहीं है तो समझते नहीं है, समझेंगे नहीं। इसलिए श्रोताओं के पास शास्त्र हो, लेकिन वक्ता का जो परिणाम है वो श्रोताओं के पास की जिनवाणी का अनादर करना नहीं होता है, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। नहीं। मंदिर में हम किसको जैनेन्द्र कहते हैं, संसारी को या मुक्त को? अगर जिनेन्द्र देव को करते हैं तो बच्चों की कक्षा में मंदिर में जय जिनेन्द्र क्यों किया जाता है? कैसे प्रश्न है ये? जय जिनेन्द्र तो परस्पर करते हैं अपन, जो साधर्मी लोग हैं वे जय जिनेन्द्र करते हैं, वो भगवान को थोड़ी जय जिनेन्द्र करते हैं। भगवान को तो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं भगवान को। बच्चों को जय जिनेन्द्र नहीं सिखाया जाए तो क्या सिखाया जाए? बच्चों को तो जय जिनेन्द्र सिखाना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर वो टीवी में जो आता है वही बोलेंगे, जो कुछ भी आता होगा। बस हो गया ना।